अरे एक बात बताओ, कहीं तुम लोगों को ऐसे तो नहीं लगने लग गया ना कि तुम्हारा क्रॉसर एकदम सही जगह पे रहता है पर तुम्हारी गोलियां कनेक्ट ही नहीं हो रही है? या तो डिवाइस की प्रॉब्लम हो सकती है, या पिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कोई ग्लिच व्लिच हो सकता है जो सिर्फ तुम्हारे साथ ही हो। अगर ऐसा लग रहा है तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि आज तुम्हारी इस गलतफहमी को मैं दूर करने वाला हूँ और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ दो तीन चीज़ों के बारे में बात करूंगा, बट उससे पहले एक चीज़ का जवाब देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग भैया कमेंट करते रहते हैं कि यार आपके चैनल डेड कैसे हो रहा है, आपका चैनल पे तो बहुत अच्छे व्यूज़ आते थे, फलाना ढिमकाना। तो देखो, तुम उससे मतलब मत रखो। तुम्हें अगर मैं कोई वीडियो दिखा रहा हूं तो तुम उस वीडियो को देखो, वीडियो अच्छी लगी है तो उसके रिलेटेड कमेंट करो, क्योंकि व्यूज़ आ रहे नहीं आ रहे उसके बारे में तो मैं भी ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहा। ये यूट्यूब का एल्गोरिदम है यार, अगर तुम कुछ गड़बड़ी करोगे तो तुम्हारे एल्गोरिदम से ब्रेक कर दिया जाएगा तुम्हें, मतलब तुम्हारे व्यूज़ बिल्कुल डाउन कर दिए जाएंगे, रिकमेंडेशन में वीडियो नहीं जाएगी। और मैंने डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी तो वो मुझ पे छोड़ दो, ठीक है? और अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि भाई व्यूज आने चाहिए तो तुम अपनी अपनी तरफ से इतनी सी हेल्प कर सकते हो कि तुम वीडियो को लाइक कर दो, और इससे ज्यादा कोई टेंशन मत लो। या फिर अच्छा सा तुम्हें कोई कमेंट करना है तो वो कर दो, क्योंकि उससे क्या होता है वीडियो को एल्गोरिदम में लाने में बहुत हेल्प मिलती है, वीडियो को वायरल होने में हेल्प मिलती है। तो अब देखो डायरेक्टली शुरू करते हैं। और पहले मेरे डिमोटिवेटेड भाइयों, डिमोटिवेट होना बंद कर दो। क्यों बंद कर दो ये बताता हूं, क्योंकि तुम लोग सोच रहे हो ना कि अगर मैं हिप फायर मार रहा हूं या फिर अगर मैं हेडशॉट पे क्रॉस से रख रहा हूं तो अभी हेड नहीं लग रहा मेरा, बट बाकी लोगों का लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं। यहां से शुरू करते हैं। काफी सारे YouTube चैनल्स पे तुम्हें ये वाली क्लिप देखने को मिल जाएगी जिसमें बता रखा है कि देखो क्रॉसर खोलोगे तो कहां पर जाएगा, और क्रॉसर मतलब ADS खोलोगे तो कहां जाएगा, और ADS बंद कर दोगे तो कहां पर एम जाएगा। मतलब ये एक बाय डिफॉल्ट PUBG में तुम्हारा कोई ग्लिच व्लिच समझ लो या कुछ भी समझ लो, तो ये चीज बता रखी है भाई इसमें कि तुम अगर ADS खोल रहे हो तो ADS थोड़ा सा नीचे रह जा रहा है, अगर ADS की जगह तुम क्रॉसर रख रहे हो तो क्रॉसर तुम्हारा ऊपर रह जा रहा है। तो इसीलिए तुम्हें काफी सारी वीडियोस में ये बताया जाता है कि तुम अगर किसी को भी हेडशॉट मारना चाहते हो तो उसका मतलब तुम्हारा एम हेड से ऊपर रखो। इनफैक्ट मैंने भी पहले ये गलत वीडियो बनाई हुई है, बट मैंने ज्यादा पॉइंट कवर नहीं किए थे क्योंकि मुझे इतना ज्यादा रिसर्च नहीं किया था मैंने, तो मतलब उससे मेरे हेडशॉट लग रहे थे इसलिए मैंने वो वीडियो बना दी थी। बट होता क्या है बेसिकली कि हिप फायर को कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं है भाई। तो यहाँ पे देखो सीन क्या होता है, यहाँ पे मैं ADS से मार रहा हूँ तो बड़े प्यार से भैया हेडशॉट लग रहे हैं, ठीक है? बट मैंने यहाँ पे बहुत बार कोशिश की, मतलब अनगिनत बार कोशिश की क्रॉसर को बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन पे रखने की। क्रॉसर को मैंने 4-5 बार चेंज करके देख लिया, उसको ऊपर रख के देख लिया, उसको नीचे रख के देख लिया, उसको लेफ्ट राइट दाएं बाएं हर जगह रख के देख लिया भाई। मेरा यहाँ पे मैं जब भी सिंगल टैप से फायर कर रहा हूँ हर बार में हेडशॉट नहीं लग रहा है, क्योंकि देखो मैं तो यहाँ पे एक जगह खड़ा होकर मार रहा हूँ। इनफैक्ट तुम लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि मैं एक जगह खड़ा होकर मार रहा हूँ, मैं हिल भी नहीं रहा और मैं सिंगल गोलियां चला रहा हूँ। अगर सिंगल गोली चला रहा हूँ तब तो भैया हिप फायर बिल्कुल ऑन पॉइंट जाना चाहिए, तब भी नहीं जा रहा है तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम जिगल देकर मारोगे, इधर उधर तुम जिगल दोगे और उसके बाद तुम्हारा क्रॉसर भी तुम चलो मान लो बाय डिफॉल्ट हेड पे रख भी लेते हो तो तुम्हें क्या लगता है सारी गोली हेड लग जाएंगी? नहीं लगेंगी दोस्त, बिल्कुल भी नहीं लगेंगी, क्योंकि मैकेनिज्म ही ऐसा है भाई इस गेम का। अब एक और चीज बताता हूँ, काफी सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, इससे पहले ही मैंने देखो जायरोस्कोप भी ऑफ कर रखा है, मैं भाई बड़ी मुश्किल से थंब से एम सेट कर पा रहा हूँ, और यहाँ पे जब भी मैं फायर कर रहा हूँ क्रॉसर को बिल्कुल हेड पर रख के, तब भी गोली कभी लेफ्ट में लग रही है, कभी राइट में लग रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, मतलब क्रॉसर तो स्ट्रेट है, सिंगल टैप कर रहा हूँ। मैंने एक बार वीडियो में बताया था कि अगर तुम ज्यादा गोलियां फायर कर देते हो तो हिप फायर बहुत ज्यादा फैल जाता है, बट मैं तो यहाँ सिंगल गोली चला रहा हूँ और यहाँ जिगल भी नहीं दे रहा कि मेरा हिप फायर खराब होगा, क्रॉसर बिल्कुल फिक्स है, बट स्टिल सारी गोलियां हेड पर नहीं लग रही हैं। दिस इज मतलब ये PUBG है भाई, देखो गोली कहां लगी है, बिल्कुल लेफ्ट में जाके लगी है। दोबारा मैं क्रॉसर को यहां पे एडजस्ट कर लेता हूं और इस बार देखो गोली कहां लगती है, ये देखो क्रॉसर ऑलमोस्ट हेड पे, बड़ी मुश्किल से हो रहा है मुझसे यार। देखो मैं क्लियरली बताऊं, जायरोस्कोप यूजर हूं, ये हेड पे मारा, गोली कहां लगी है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, वो देखो वहां पे, क्यों मुझे क्या पता भाई, ना तुम्हें पता। अब देखो बिल्कुल ऊपर की तरफ गोली लगी है क्रॉसर, जबकि बिल्कुल सेंटर में है, दोबारा सेंटर में है, अब कहां लगी है गोली, जरा एडजस्ट करके देखते हैं, वो देखो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जा रही है। ऐसे क्यों भाई, ऐसे क्यों हो रहा है? लास्ट में मुझे गुस्सा आ गया, मैंने इस टारगेट को गिरा दिया। अब देखो तुम लोग कंप्लीटली डिमोटिवेटेड हो जाओ इस वाली चीज को देखकर, तो मैं उससे पहले तो मैं थोड़ी मोटिवेशन की बात बता देता हूँ कि ये सारी चीजें जो हो रही है ना मेरे साथ, ये सिर्फ ट्रेनिंग में होती है, ट्रेनिंग में एम असिस्ट काम नहीं करता है, इसलिए गोली कहीं भी चली जाती है। बट अगर आप यही चीज अगर आप यहाँ पे देखो TDM में करके देखो, पहले यहाँ पे देखो भाई 10 मीटर दूर टारगेट है, मैंने आराम से गोली मारी, सीधा हेड पे लग रहा है। 5 मीटर दूर टारगेट है, मैंने आराम से गोली मारी, सीधा हेड पे लग रहा है, ठीक है? अब तुमने YouTube पे काफी सारी वीडियोस में एक नॉर्मल सी चीज देखी होगी, उसमें बता रखा है कि भैया अपने क्रॉसर को हेड से ऊपर रखो और फिर मारो। तो लो भाई क्रॉसर को हेड से ऊपर रख लिया तो भी मार लिया, क्योंकि सारी गोलियां तो कनेक्ट होनी होनी है देखो, क्योंकि यहाँ पे एम असिस्ट ऑन है। अब यहाँ पे मैं हेड पे भी मार रहा हूँ नॉर्मली तो भी तो कनेक्ट हो रही थी, ऊपर मारो या नीचे मारो, हेड पे मारो तो भी कनेक्ट होगी, ऊपर मारो तो भी कनेक्ट होगी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेसिकली। तो देखो इतनी देर में तुम्हारे लिए दो चीजें मैंने क्लियर आउट कर दी हैं कि तुम अगर ट्रेनिंग करोगे ना तो घंटा तुम्हारी गोलियां प्रॉपर ऑन पॉइंट जाने वाली नहीं है, और अगर तुम
हेड के ऊपर रखो एम या सिर्फ हेड पे रखो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर हेड पर क्रॉसर रहेगा तो हेड शॉट तुम्हारे लगेंगे। अब लोग मेन प्रॉब्लम पता है क्या करते हैं, वो आगे बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र करो यार। अब पहले एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं, तुम्हारा हिप फायर। देखो हिप फायर बहुत तरीके से काम करता है और हिप फायर इतना ज्यादा फैलता है हमेशा कि तुम उसको एडीएस की तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखो ये बंदा भाग के गया आगे, मेरी बहुत कम गोली इस पे कनेक्ट हुई होगी क्योंकि मेरा क्रॉसर है इससे थोड़ा सा पीछे था। अब क्रॉसर इससे पीछे रहेगा तो ऑब्वियसली गोलियां कम कनेक्ट होंगी। तुम लोग बोलोगे कि भाई क्रॉसर को बराबर रखो, तो ये लो इस वाली क्लिप में देखो क्रॉसर भाई बिल्कुल बंदे के साथ में चल रहा है बट स्टिल मतलब गोलियां कनेक्ट नहीं हो रही है। देखो इस वाली क्लिप में देखो क्रॉसर को मैंने थोड़ा आगे भी किया, बराबर भी हुआ, थोड़ा सा मेरा क्रॉसर लड़खड़ाया बट फिर भी गोलियां बहुत कम कनेक्ट हो रही हैं। बट इस वाली क्लिप में क्रॉसर बंदे से थोड़ा सा आगे रहा, ऑलवेज ज्यादा टाइम आगे रहा, इसलिए काफी गोलियां कनेक्ट भी हो गई और हेडशॉट भी कनेक्ट हो गए। तो इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं? कुछ भी नहीं समझ सकते क्योंकि मैंने और भी ट्राई किया, ये देख सकते हो तो मैंने बंदे को बुलाया कि भाई वापस एक दो बार ट्राई करते हैं क्योंकि एक दो बार से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो भाई क्रॉसर को आगे भी रखा पीछे भी रखा बट सारी गोलियां तो नहीं कनेक्ट होंगी क्योंकि ये हिप फायर है बॉस। हिप फायर को कंट्रोल करना जैसा कि मैं ज्यादा फैलता है, कभी गोलियां ज्यादा कनेक्ट हो रही हैं कभी गोलियां कम कनेक्ट हो रही हैं। वो हिप फायर अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो हिप फायर कुछ ऐसा निकलेगा गन में से कि ज्यादा गोलियां अपने आप चिपक जाएंगी, दिस इज नॉर्मल। तो अगर तुम लोग फालतू में डिमोटिवेट होते हो कि भाई मेरा क्रॉसर अच्छा है और मेरी गोलियां फिर भी कनेक्ट नहीं होती है तो नॉर्मल है यार, किसी की भी नहीं होती है हर बार। तो चलो तुम और ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओ उससे पहले तो मैं और कुछ अच्छी चीज बता देता हूँ कि ये तो थी भी मतलब क्लोज रेंज नहीं था, ये आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 30 मीटर का टारगेट होगा, ये मिड रेंज तुम बोल सकते हो जो हम हिप फायर से ट्राई कर रहे थे जो कंट्रोल करना इम्पॉसिबल टाइप है। बट अगर क्लोज रेंज की बात की जाए तो क्या होगा? देखो क्लोज रेंज में हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम जिगल फाइट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर फाइट्स को अच्छे से देखो फिर मैं कुछ पूछूंगा। ये पहली फाइट थी, मैं जीत गया। ये थी दूसरी फाइट, इसमें क्लियरली मैं हार गया। ये तीसरी फाइट थी, इसमें भी मैं हार गया। और ये चौथी फाइट थी, इसमें मैं जीत गया। तो ऐसा क्या हुआ कि जो दो फाइट में हारा और दो फाइट में जीता, तो मैं बताता हूँ अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो जो दो फाइट में हारा ना उसमें मेरा क्रॉसर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है भाई, पूरा लेफ्ट राइट हो रहा है, ये देखो बंदे के बीच में नहीं रह रहा है, ठीक है? इसका मतलब क्रॉसर ट्रेसिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वाली फाइट में भी देख सकते हो आधी गोलियां मैंने लेफ्ट में मार दी, फिर आधी गोलियां मैंने राइट में, फिर आधी गोलियां लेफ्ट में, बंदे का जिगल ही ट्रेस नहीं हो पा रहा है। बट जो दो फाइट में जीता उनमें मेरा क्रॉसर स्टिल मैं इतना ज्यादा ट्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, बट मेरा क्रॉसर थोड़ा सा सेंटर में है ताकि बंदा अगर लेफ्ट राइट भी होगा ना तो मेरे क्रॉसर के थ्रू होकर जाएगा। और इन दोनों तीनों फाइट्स में एक चीज अगर आपने नोटिस करी होगी तो वो ये है कि मेरा क्रॉसर हमेशा हेड पर है फिर भी सारे हेड नहीं लग रहे हैं क्योंकि हिप फायर को एज यूजुअली सारे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। पर ऐसी दो चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं, एक तो हमारे क्रॉसर को हेड लेवल पर रखो ऑलवेज, ठीक है? अपना बॉडी या पैरों पे तो बिल्कुल गोली मत मारो, और दूसरा कोशिश करो कि तुम्हारा जो क्रॉसर है ना वो ज्यादातर बंदे के ऊपर लाने की कोशिश करो। ये दो ही चीजें हम लोग कर सकते हैं, बाकी हिप फायर अपना काम कर देगा, उसको कितने हेड कनेक्ट करने हैं या फिर उसको कितनी बार मतलब गोलियां चिपकानी है वो सब वो अपने आप कर देगा। तुम क्या कर सकते हो, क्रॉसर को बस थोड़ा सा सेंटर में रखो, ज्यादा लेफ्ट राइट करोगे ना जैसे तुमने मेरे स्टार्टिंग में देखा था वो करोगे तो फिर तो ज्यादा चिपकेंगी भी नहीं गोलियां, और हिप फायर इतना ज्यादा दूर रखोगे तो एम असिस्ट भी काम नहीं करेगा। तो जब ये चीज मुझे समझ में आ गई तो मैं कोशिश करने लगा कि ज्यादा से ज्यादा क्रॉसर को सेंटर में रखने की कोशिश करो और बेसिकली हेड पे रखने की कोशिश करो, क्योंकि क्रॉसर हेड पर रहेगा और सेंटर में रहेगा ना तो बंदा दो तीन बार तो तुम्हारे क्रॉसर से होकर गुजरेगा, और तुम्हारा क्रॉसर ऑलरेडी अगर ऐसी जगह पर बैठा हुआ होगा पहले से ही कि बंदा आएगा तो उसको हेड जरूर पड़ेगा। तो ऑब्वियसली यार तुम अगर हेड पे रखोगे बंदा बीच बीच में से चार पांच बार लेफ्ट राइट करेगा तो उसको हेड पड़ ही जाएगा। बट जब भी मैं ये चीजें स्लो मोशन में देखता हूँ ना सारी असलियत सामने आ जाती है कि नहीं यार मैं प्रो नहीं हूँ शायद, और क्रॉसर पे और वर्क करना पड़ेगा। तो तुम भी अगर क्रॉसर पे और वर्क कर सकते हो तो सिर्फ इतना ही करो कि क्रॉसर को ज्यादा लेफ्ट राइट मत करो और हेड पे रखने की कोशिश करो। और अगर कोई बंदा तुम्हारी ये सब कोशिशों के बावजूद भी तुम्हें मार जाता है, फॉर एग्जांपल सामने वाले बंदे को मैंने हेड भी दे दिया, क्रॉसर भी भाई उसके बिल्कुल पास पास घुमा रहा हूँ ये देखो, ठीक है, बट गोलियां नहीं लग रही हैं और उसकी लग गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुम नूब हो, इसका मतलब ये है कि वो भी तो प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी गोलियां भी लग सकती है, उसका इंटरनेट भी अच्छा हो सकता है, उसका फोन भी अच्छा हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो डिमोटिवेट होने की तो बात ही नहीं है। तो इन शॉर्ट अगर तुम हेड पर गोली हेड पर क्रॉसर रखो या उसके ऊपर रखो, हेड तुम्हारे वैसे भी लगने हैं, क्रॉसर को तुम्हारा सेंटर में रखना पड़ेगा तुम्हें, और दूसरा क्रॉसर को हेड लेवल पर ही रखो ऑलवेज ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गोलियां कनेक्ट हो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेक ना करो उसको लेफ्ट राइट, बिल्कुल ऐसा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो सेंटर में ही रखने की कोशिश करो। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो में एक ही बातें मैंने 10 बार रिपीट कर दी मुझे पता है, बट कोई बात नहीं, मिलता हूँ तुमसे एक वीडियो नई वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, एंड आई एम साइनिंग ऑफ।